हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एडवाइस के बारे में कि दिस एडवाइस विल चेंज योर लव लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगा, एक ऐसी एडवाइस बताऊंगा जो बहुत आपके काम की होगी, जिस काम के लिए आप आए हो इस वीडियो में ना, ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी आपकी आज। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे बातें बताई जाएंगी वो अकॉर्डिंग साइकोलॉजी बहुत ही टॉप की होंगी और साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बहुत ही होंगी, जिसको कोई भी कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो बात है, दो सवाल हैं, ठीक है। ये दो सवाल आज के जनरेशन में जो आज का यूथ है जो प्यार कर रहा है उसमें ये दो सवाल इतना कॉमन है कि पूछो मत। पहला सवाल है कि पार्टनर ज़्यादा कॉल नहीं करता है। सबकी ये प्रॉब्लम है कि हमारा पार्टनर बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि पार्टनर ज़्यादा कॉल ही नहीं कर रहा है। एक बार ही कॉल कर रहा है दिन में, या फिर दो तीन दिन गैप करने के बाद कॉल कर रहा है, या किसी के साथ तो ऐसा होता है कि महीने में एक बार कॉल आता है। सच में तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। दूसरा पंगा ये हो रहा है लोगों के साथ में कि पार्टनर चलो कॉल कर भी रहा है लेकिन ज़्यादा देर तक बात ही नहीं कर रहा है। 2 मिनट 4 मिनट बस ऐसे ही बात हो रही है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके रख देता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों जो भी दो सवाल हैं इनको पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दूंगा मैं, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग साइकोलॉजी कहती है कि आपका जो रिलेशनशिप है, इस दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, जो भी रिश्ते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला है कन्वर्सेशन और दूसरा है एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से समझना इसको। लगभग आपके रिलेशनशिप का 70% जो है, 70% जो है वो कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है, आपके बातचीत के तरीके पर, आपके बातचीत के स्टाइल पर, आप किस तरीके से बातचीत कर पाते हो, कितना हेल्दी एक वार्ता कंप्लीट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये केवल 30% ही लेके जाती हैं, 30% इस पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, चाहे सोशल ही क्यों ना हो, किसी के साथ है आपका रिलेशनशिप, तो अगर आप उनसे ऐसे लहजे में बात करते हो जिससे कि उनको बुरा लगे, आप गालियां देते हो, तो आपको लगता है आपका रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। अब आपकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी भी हों, जैसे कि आपकी एक्टिविटीज सपोज करो कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ, आप पार्टनर पे आ जाते हैं, आप किसी दूसरी लड़की के साथ बात कर रहे हो या किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ हो गई। आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपके पार्टनर को बुरा लगा, लेकिन फिर आपने आके आपके पास एक हेल्दी कन्वर्सेशन करने की अगर जो है वो कैपेसिटी है तो आके आपने अपने पार्टनर को कन्विंस कर लिया, तो बात से आपकी बात बन गई। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा लेके चलता है ना, जिसमें ज़्यादा वेटेज है उस पर फोकस करें तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बेहतर बन जाएगा। तो 17% जो है वो कन्वर्सेशन की बदौलत आपका रिलेशनशिप चलता है, ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। अब आते हैं डायरेक्ट की, चलो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इन दोनों जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो दो मेजर प्रॉब्लम है आपकी जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, वो सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी आपसे कहती है, पूछती है कि व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो, एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, वट एवर जो भी कुछ आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। ये दुनिया जो है ना एक मिरर की तरह है, आप जैसा एक्ट करोगे वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते हो इससे, आप जो भी करोगे आपको वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो एक अच्छा कन्वर्सेशन हो तो एक अच्छा कन्वर्सेशन होगा, आप चाहते हो कि प्यार वाली बातें हों तो प्यार वाली बातें होंगी, आप चाहते हो कि रोमांटिक बातें हों तो रोमांटिक बातें होंगी, आप चाहते हो अगर आर्ग्यूमेंट्स करना तो आर्ग्यूमेंट होगा, आप चाहते हो झगड़ा तो झगड़ा होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपका रिलेशनशिप इसलिए तो बिगड़ रहा है, आपके पास कॉल नहीं आ रहा है ज़्यादा, आपके पास कॉल आ रहा है तो कुछ मिनट चल रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए तो हो रही है ना कि आप क्या चाहते हो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या चाहना ये आपको पता ही नहीं है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको चाहना है, आपको जो चाहना है वो इसके दायरे में चाहना है, आपको चार चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी अपनी बातों में, ठीक है।
आपको अपने कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी लाना है। सबसे पहली बात, अपनी बातों को पॉजिटिव करिए, नकारात्मक सोच से बचिए, सकारात्मक सोच लेकर आइए और पॉजिटिविटी के साथ बातें करिए, हैप्पीनेस लेके आइए। हैप्पीनेस में आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे कि सामने वाले के चेहरे पर हंसी आ जाए और हम खुद भी हंस मतलब खुश हो जाएं। तो यहाँ पे क्या है कि हैप्पीनेस लेके आइए जिसमें आप कॉमेडी कर सकते हो, जिसमें आप जोक कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, आप हैप्पीनेस टोन पे रहिए हमेशा, ठीक है। दूसरी बात है, लोग पूछते हैं कि क्या पार्टनर के साथ इमोशनल बातें करनी चाहिए, क्या सही होती हैं या गलत होती हैं, इमोशनल बातें करने से लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। भाई ऐसा देखिए नहीं है, एकदम से इमोशनल बातें बंद कर दोगे तब भी अच्छा नहीं है, आपको इमोशंस लाने ही पड़ेंगे। अपने इमोशन को आप एक्सप्रेस करो, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर आपको एक्शन भी अपनी बातों में लाना है। मतलब कि कभी हंसाना है तो कभी रुलाना भी है, ठीक है। हमेशा पास नहीं जाना है, कभी दूर भी जाना है। यहाँ पे उतार चढ़ाव वाली ही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, किसी भी इंसान को पसंद आती हैं। एंड में बस आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, सबसे पॉपुलर सबसे सुपर एग्जांपल है वो है मूवीज़ का। हमें कौन सी फिल्में पसंद हैं आप बताइए, आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं जिसमें एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, सारी चीज़ें हो, वैसी फिल्में हमें पसंद होती हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा सपोज करो कि कोई एक ऐसी फिल्म है, जैसे कि आप कोई भी वॉर वाली फिल्म उठा लो, ठीक है, जिसमें केवल मार काट केवल ये फाइट है, क्या कितने लोगों को वो फिल्म पसंद आएगी? बहुत ही कम संख्या होगी ना, बहुत ही कम होगी, शायद किसी को पसंद भी ना आए। कहने का मतलब ये है, अगर उसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो ज़्यादा पसंद आएंगी लोगों को। बात आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप अपनी बात, जो भी आपका बात 2 मिनट 4 मिनट हो रहा है ना, उसमें आप अगर इन चार चीज़ों को शामिल कर पाते हैं, जो भी यहाँ पे चार चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन चार चीज़ों को अगर शामिल कर लेते हैं, आपके पास इतने कॉल आएंगे, इतनी देर तक बात चलेगी, क्योंकि आपकी 4 मिनट की बात बहुत ही अच्छी हुई है इन चार के बिहाव पर, ठीक है। ये चार जो आपको बताए गए हैं इसके बिहाव पर अच्छी बात हुई, तो इसका मतलब है कि आगे से पार्टनर आपका उत्सुक रहेगा, उसको आपकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, फिर डेफिनेटली बार बार कॉल आएगा, डेफिनेटली ज़्यादा लंबी बातें होंगी आपसे, क्योंकि जब सामने वाले को मज़ा आएगा आपसे बात करने में, तभी तो आपके पास कॉल ज़्यादा आएगा, तभी तो लंबे देर तक बातें आपकी चलेंगी ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो टिप्स था, ये अकॉर्डिंग साइकोलॉजी है, बहुत यूनिक है। एंड मैं बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इससे और लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो दो प्रॉब्लम है ये आज के यूथ जनरेशन की लगभग ऑलमोस्ट बहुतों की प्रॉब्लम है। तो अब आपकी बारी है इस वीडियो को शेयर करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो मैंने पब्लिश किया उस पर व्यूज और लाइक का जो रेशियो था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो लव इंटेंसिटी चैनल को फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, जिसको भाई के कंटेंट पे भरोसा है कि कुछ भी फालतू की बातें नहीं बताता है, तो वो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मत हिचकें, वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी वीडियो आने वाली हैं। साथ में आपके जो भी कमेंट क्वेरीज वगैरह हैं जरूर लिखिएगा ताकि मैं वहाँ से नए टॉपिक पिक कर सकूँ। अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सिंपल सर्च मार दीजिए लव इंटेंसिटी @CM4, वहाँ पर लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की ID मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।